ऐसे खड़े क्यों? लड़की जांच के लिए नहीं, वैसे अगर आप प्रिंसिपल बन जाओ दोनों राज करेंगे कॉलेज में। मैं पावलजीत सिंह, MBBS सेकंड ईयर स्टूडेंट, GMC बाड़मेर। तो अभी हम सब, हमारी सबकी छुट्टियां चल रही है कॉलेज की रक्षाबंधन के कारण, सब अपने अपने घरों में हैं। तो आज मैंने सोचा, मैं घर पे बोर हो रहा था वैसे भी, तो मैं सोचा पापा के हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे पापा काम कैसे करते हैं वो दिखाऊं, पापा को हॉस्पिटल दिखाता हूँ, और मुझे भी ना इंजेक्शन लगाना, कैनुला लगाना और बेसिक चीज़ें सीखनी है थोड़ी बहुत, तो वो भी सीखेंगे। और आज की वीडियो में आने वाला है बड़ा मज़ा। चलो पापा से मिलाता हूँ, एक सेकेंड। पापा ऐसे खड़े क्यों? पता नहीं हो रहा था ऐसे को, मेरे कहा था डैडी आज कहाँ जा रहा हूँ मैं आपके साथ, आपको पता है क्या? आज मैं अपने शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसी में जा रहा हूँ। हाँ, मेरी ड्यूटी का टाइम तो आज 9 बजे का, जल्दी जा रहा, लेट हो गया थोड़ा। हाँ, और बस मेरे पापा है ना अपने हॉस्पिटल के इंचार्ज है, और वो सिरसी में हमारे घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम दोनों जाएंगे मस्त गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैं और मेरे प्यारे पापा, तो ना गाड़ी में चलते चलते रास्ते में क्या ये बोर हो रहे हैं, तो मैं पापा से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया करूँगा, पूछ लूँगा अभी, चालू कर दूँगा। ठीक है डैडी? जी। चलो पहली चीज़ बताओ, आप है ना कितने टाइम से हो, मतलब इस हॉस्पिटल में कितने टाइम से हो, और आपकी जॉब कितने टाइम हो गए? मेरा टोटल जॉब 28 साल का हो गया, और मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। हाँ, तो और आपकी पोस्ट इसमें क्या है, इंचार्ज है ना? अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिरसी का इंचार्ज हूँ, और गवर्नमेंट की इच्छाओं के अनुसार हर जन को पूरी सुविधाओं समेत सर्विसेज दी जा रही है। और एक चीज़ और बताओ, जैसे आप 20 साल से डॉक्टर हो, है ना, 20 साल हो गए ना, 25 साल हो गए, 28 साल से डॉक्टर हो ना, तो आपने मतलब क्या सीखा है कि मतलब डॉक्टरी ना कैसी लगती है आपके हिसाब से? डॉक्टरी के अंदर जरूरी है कि आपका पूरा उसमें इंटरेस्ट हो, जनता की सेवा के लिए ये बना हुआ प्रोफेशन है। आप सेवा करोगे तो पैसा अपने आप आएगा, पैसे कमाने के लिए नहीं जाना। आप जनता की सेवा के लिए तत्पर रहोगे तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी, लोगों की दुआएं आपके साथ रहती हैं। और एक चीज़ बताओ, जब मेरा नीट का टाइम था ना, तो वो टाइम कैसा था, मतलब आपको आप उसके उस टाइम के बारे में थोड़ा सा बता दो, कि वो नीट के टाइम में स्ट्रेसफुल टाइम था बच्चों को, आपके लिए मेरे लिए बच्चे के लिए, कैसे बताओ? बहुत स्ट्रेसफुल था, क्योंकि पूरा कोर्स एक ही दिन में रिवाइज करना होता है, क्योंकि पेपर है वो सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में आते हैं, 3 घंटे में करना होता है, तो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते रहो। अब सुनो ना यार, 28 साल हो चुके हैं आपकी नौकरी को, तो ना अगर अभी आप चाहते हो तो मेरे साथ बाड़मेर चल सकते हो, वहाँ पे प्रिंसिपल की वैकेंसी चल जाएगी, बन जाएगी, मतलब आपके आते ही। एजुकेशन लाइन के अलग से टीचर्स होते हैं, उनके अंदर हमारी पोस्टिंग नहीं हो सकती। अगर किसी स्पेशलिटी का होता तो जरूर रहता, पर मैं आज डायरेक्टर लेवल के ग्रेड पे का आदमी हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल की जगह CMHO जरूर बन सकता हूँ। नहीं, वैसे अगर आप प्रिंसिपल बन जाओ दोनों राज करेंगे कॉलेज में। करना है, अपने को जनता की सेवा करना। तो अभी हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, रास्ते में थोड़ा बहुत आपको ऐसे वीडियो दिखा दूंगा रास्ते की, और अभी मस्त हॉस्पिटल पहुंच के वीडियो बनाएंगे। तो ये गाइस, पापा को हॉस्पिटल आ चुका है, ये पापा के हॉस्पिटल की एंट्री है, ये क्या लिखा था दिखाई नहीं, कोई बात नहीं। ये पापा आपका पहले वाला था ना, PHC थी ये, अब ये बन गई है CHC। हाँ, ये शहरी पापा जैसा कह रहे हैं, क्योंकि पीछे पेशेंट भागेंगे तो वो भी देखता हूँ मैं सारा। तो ये पापा का हॉस्पिटल है, पापा जाते हुए मैं पीछे पीछे, पेशेंट आने लग गए, सही कह रहे थे पापा। तो यहाँ से OPD की पर्चियाँ कटती है, लाइन लगेंगे,
तो ये हॉस्पिटल का एक सिस्टम होता है, पहले ओपीडी की पर्चियां कटती है, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं ओपीडी में, और लास्ट में दवाइयां मिलती है। ओपीडी की पर्चियां बनती है यहाँ पे। अब अपन चलेंगे ओपीडी पापा के साथ, चलो। तो ये है 6 नंबर कमरा, यहाँ पे है ड्रेसिंग और इंजेक्शन रूम, यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा सीखने, ठीक है बाबा? इंजेक्शन सिखा देना मेरे को। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यहाँ पर्चियाँ कटवाने के बाद इधर आना पड़ता है मेडिकल ओपीडी में, यहाँ डॉक्टर होते हैं जो तुम्हारा देखते हैं कि दवाइयाँ कौन सी लिखनी, डायग्नोसिस करते हैं। ये जा रहे हैं पापा, पापा के हॉस्पिटल में लिफ्ट भी है, क्या नहीं कर सकते? लिफ्ट है, यूज़ नहीं कर सकते, नहीं इसलिए। अच्छा, ये चलती नहीं है, बना रखी है, जैसे हमारे हॉस्टल में भी लिफ्ट रूम है लेकिन चलता नहीं है। यह है ब्लड कलेक्शन, ब्लड की जांच के लिए। तो ये यहाँ का गायनी वार्ड है, गायनी ओपीडी। ये मैम है, डॉक्टर पेशेंट। ये ओपीडी वार्ड है, तो ये फीमेल वार्ड है उसका। बढ़िया, यहाँ पे छोटा सा, हमारे हॉस्पिटल से तो बहुत छोटा है यार ये। तो ये है संक्रमित लेबर कक्ष, क्या होता है ये? बेबी केयर रूम। ये लेबर रूम है, तो ये लेबर रूम है। लेबर रूम मतलब क्या होता है डैडी, बताओ ना थोड़ा सा। यहाँ डिलीवरी होती है ना, वो वाला रूम है, बढ़िया सा। रेडिएंट वार्मर है, जो बच्चे जिनके खून की कमी होती है, हाँ, टेम्परेचर, ये मशीन है। हाँ ये मस्त है यार आपके पूरा। चलो, खाली पड़ा है पूरा हॉस्पिटल यार, रक्षाबंधन के कारण खाली है, नहीं तो 500 की ओपीडी आती है रोज की। बढ़िया है वैसे, यहाँ की पीडियाट्रिक ओपीडी है, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है अभी। ऐसे होता है देखो, गवर्नमेंट में काम ऐसे होता है, डॉक्टर आते जाते रहते हैं। तो ये क्या टॉयलेट है, पीडियाट्रिक ओपीडी है, लेकिन डॉक्टर अभी है नहीं, आएंगे धीरे धीरे, लॉक लगा के चले गए, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पापा का खुद का चैम्बर है, इसमें यहाँ पे मस्त एसी लगाया हुआ है, और यहाँ पेशेंट देखते हैं छोटे मोटे जो आते हैं। एप्रन पहनते हो आप? पेशेंट भी आने लग गए, पेशेंट आना चालू हो चुके हैं। वाह भाई, पापा का ही वेट कर रहे थे, पापा ने एप्रन पहन लिया है, पेशेंट आ रहे हैं, देखते हैं क्या। अरे आपको यहाँ पड़ेगा, मेरे को तो सपना भी आएगा, आपको आ गया होगा। तो ये इंजेक्शन रूम है यहाँ का, इंजेक्शन रूम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।